उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र का परिवार धरने पर बैठा हुआ है, लेकिन वहां से एक खबर आ रही है और खबर ये कि जगेंद्र की पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही है। ये धरना चल रहा है घर के बाहर। अब जगेंद्र की पत्नी को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। हमारे संवाददाता आमिर हक वहीं पर मौजूद हैं। आज दूसरा दिन है जब पत्रकार जगेंद्र सिंह का परिवार अपने घर के बाहर इस पीपल के पेड़ के नीचे धरने पर बैठा हुआ है, राज्य सरकार से सीबीआई जांच की मांग के लिए और साथ ही उचित मुआवजे की मांग के लिए। ये तमाम मांगे बार बार सरकार के सामने दोहराई जाती रही हैं। जिला प्रशासन के जो अफसर आते हैं उनको भी बताई जाती हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और इस बीच में जगेंद्र सिंह जी की पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, लो बीपी की शिकायत देखने वाले बता रहे हैं, साथ ही डिप्रेशन भी इनको लगातार है। और चूंकि फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से कोई डॉक्टर नहीं मुहैया कराया गया है, तो फार्मासिस्ट हैं जो सबसे नज़दीकी अस्पताल था वो आए यहाँ पर, उन्होंने देखा इनको और अभी आईवी फ्लूइड दिया है। ये बताइए क्या कैसी तबीयत बताई जा रही इनकी? जी अभी जो एग्जामिन करने पे पाया इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में है ये और इनको फ्लूइड दी जा रही है और कुछ डिप्रेशन की समस्या इनको ऑलरेडी पहले से भी है। खाना भी नहीं खा रही हैं? हाँ, पिछले एक दो दिन से जैसा परिवार द्वारा बताया जा रहा है खाना नहीं खा रही, इस वजह से वीकनेस भी ज़्यादा आ गई है। तो वीकनेस की ज़्यादा कमी हो जाने की वजह से, वीकनेस हो जाने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या आप इलाज कर रहे हैं? जी अभी तो इनको फ्लूइड लगाया है और फ्लूट चलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी तो देखिए ये इंतज़ाम है यहाँ जिला प्रशासन का और सरकार की ओर से, जो दावे कर रही थी बड़े बड़े कि हम इस बुरे समय में इस संकट की घड़ी में परिवार के साथ हैं। ये देखिए ये पीपल का पेड़ है जिसके नीचे ये धरने पर बैठा हुआ है परिवार, उस पर से आईवी फ्लूइड को लगाया गया है, नीचे लटकाया गया है और तब ये फ्लूइड जो है इन तक पहुंच रहा है। तो इस तरीके से इनका इलाज हो रहा है। ये उन राज्य सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोलता है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार पूरी नरमी के साथ पेश आएगी, उनकी पूरी बातों को सुना जाएगा, फिलहाल मौके पर जो माहौल है उसको देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता। कैमरामैन सलीम के साथ आमिर हक, शाहजहांपुर आज तक।